अदर काजमी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये अगर इंट्रा पार्टी पर इलेक्शंस पर या पार्टी के ऊपर तनकीद करती है तो चले समझ आता है, सियासी हरीफ हैं, आपस में सियासी बयानबाजी हो रही है, लेकिन पिलटार जैसे इदारा अगर इस सारे प्रोसेस के ऊपर तनकीद कर रहा है तो क्या समझते हैं आप? क्या हम ये कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जल्दबाजी में ये एक गलत कदम उठा दिया है, इलेक्शन को मुतनाज़े बना दिया है? देखिए, पहली बात ये कि जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, इसका फैसला कब महफूज किया था इलेक्शन कमीशन ने? तकरीबन 2 माह पहले। फैसला क्यों नहीं सुनाया जी? और फिर अचानक फैसला आया, और आपको पता है कि आगे इलेक्शन स्केड्यूल आने वाला है, उससे पहले ये सारी चीजें। तो क्या ये सारी चीजें जो हैं आईन और कानून के मुताबिक हो रही हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, तो वो आईन के मातहत है। वो ये नहीं हो सकता कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर दे, वो ये भी कर दे, वो भी कर दे। बाकी जहां तक बिल्ड एक्ट का ताल्लुक है, वो उनकी उनके जो भी वो मौकिफ है उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन सामने नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पे जब किसी की आवाज उठाना होता है तो वो एतराज उठ जाता है, जब नहीं उठाना होता तो कोई नहीं उठाता है। ये वही अदालतें हैं जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या मौकिफ रखती थी, और अब किस तरीके से उनको वहां पर बरी किया जा रहा है। वही इदारे, वही नैब अब वहां पे क्या कुछ कह रही है। तो ये कोई इतनी ज्यादा, मैं इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता कि ये कोई आईन और दस्तूर उसको सामने रखते हुए ये सब कुछ हो रहा है। जहां तक जमातों के अंदर जमहूरियत का ताल्लुक है, प्रेसिडेंट बिला मुकाबला, वाइस प्रेसिडेंट बिला मुकाबला, फिर सुबह से जो इतराज कर रही है मरियम औरंगजेब साहिबा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बिला मुकाबला, आप बता दें किस जमात के अंदर इलेक्शन होते हैं? मां सवाए जमात इस्लामी के, जमात इस्लामी एक वाहिद जमात है जिसके अंदर एक जमहूरी स्ट्रक्चर है, जहां पे आप नई लीडरशिप आती है, वेबसाइट पे होता है सारी डिटेल्स। जी जी, नीचे से उनकी एक लीडरशिप आती है। तो जमात इस्लामी के अलावा तो किसी भी जमात के अंदर हमें कोई जमहूरी स्ट्रक्चर नजर नहीं आता। और इलेक्शन कमीशन तो देखें, वो तो एक बाकायदा पीटीआई का ये मौकिफ है, और अब इंटरनेशनल मीडिया भी उसको रिपोर्ट कर रहा है कि जो कुछ वो कर रहा है इलेक्शन कमीशन। ये सारी चीजें आपके एनालिसिस, ये सारी चीजें एक तरफ, ये बताइए, ये सारी सिचुएशन को देखते हुए आपको लग रहा है जो बल्ले का निशान है जिसकी वजह से खान साहब अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन शिप मिल रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, उसे एक बल्ले के निशान के लिए वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको पीटीआई को? ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, आईन और कानून में तो मुझे कोई कदगन नजर नहीं आ रही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फैसला कर लिया और 2 महीने महफूज रखा, क्यों महफूज रखा? उसी वक्त बता देते ताकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 2 महीने का वक्त मिल जाता। आप उनको इलेक्शन से पहले 2 महीने फैसला महफूज रखने के बाद कह रहे हैं कि आप फौरन इलेक्शन करवाओ। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई आईन और कानून के मुताबिक इसका फैसला होगा, जो उनकी मंशा होगी उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन फैसला कर देगा। अच्छा, एक और सिचुएशन भी है अथर, पीटीआई में हामिद खान जैसे लोग मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में बैरिस्टर गौहर को तरजीह दी गई, इस फैसले के पीछे आपको क्या सोच नजर आती है? क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, अभी वो 1 साल हुए हैं पार्टी में आए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं, दोनों दफ़ा हार चुके हैं, क़यादत उन्होंने ज़िले तक की नहीं की, एतजाज़ अहसन के वो शागिर्द हैं, तो कहीं इसके पीछे खोसा साहब और एतजाज़ अहसन साहब के मशवरे तो नहीं है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो नहीं पता क्या इसमें हो सकता है, लेकिन देखिए, खानदान से बाहर है एक बंदा है साहब, कामरान मुर्तजा साहब, ये फरमाइए सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई, पिलडाट हो गई, ये तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं इस पर तनकीद कर रहे हैं, सर आपकी जमात का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? देखिए, उसमें ये इलेक्शन इसलिए अहम हो गए कि इससे जो पहले इलेक्शन थे उसको इलेक्शन कमीशन ने स्क्रैप कर दिया और कह दिया कि ये इलेक्शन गलत हुए हैं, और उस बात को पीटीआई ने तस्लीम कर लिया बाय नॉट चैलेंजिंग दोज इलेक्शंस इन द हायर फोरम। तो जब आप किसी इलेक्शन को किसी फैसले को आप तस्लीम कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको तस्लीम कर रहे हैं, और उसके परसुंस में आपने फिर अपनी पार्टी के दोबारा इलेक्शन करवाए, तो सबकी नज़रें जो है वो खुद ब खुद इस इलेक्शन की जानिब मबजूल हो गई। अब जब इस इलेक्शन की जानिब मबजूल हो गई तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अनयूजुअल हैं। वो अनयूजुअल ये हैं कि एक जूनियर दोस्त जो है वो इस इलेक्शन में नामिनेट हो गए, उनकी तरफ से जो पुराने इलेक्शन में जो चेयरमैन इस सियासी जमात ही मैं कहूँगा, इस जमात के जो चेयरमैन थे साबिक, उनकी तरफ से नामिनेट हो गए।
और फिर विद इन मिनट्स जो है वो इलेक्शन जो है ना उसका प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया। तो सबकी नजरें चूंकि उसका एक पस मंजर था, अगर ये पस मंजर ना होता तो फिर शायद जो है ना वो सबकी नजरें ना होती, सब इसके ऊपर जो है वो गौर न कर रहे होते कि क्या करेंगे ये। इसके अलावा भी चूंकि उनके ऐसे मामलात हैं अदालतों में या बाकी रियासत के साथ जी, तो इसलिए भी लोग इसके ऊपर नजर रखे हुए थे, तो इनमें उनको ज्यादा मोहतात होना चाहिए था। मगर मेरा ख्याल है कि पहले से ज्यादा गैर मोहतात तरीके से उन्होंने इलेक्शन करवाए और वो चैलेंज होंगे। जी क्योंकि आप सर कानूनी मामलात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बतौर वकील मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ। सर मुझे बताइए कि जो तहरीक इंसाफ के हालिया इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं, इसको इलेक्शन कमीशन क्या कहते हैं? आप कानूनी तौर पर बताइएगा, इसे क्या मंजूर करेगा या इसे मुस्तरद किया जा सकता है? और अगर मुस्तरद हो जाता है तो उसके साथ ही फिर बल्ले का निशान सर वो भी ले लिया जाएगा? मैं यही अर्ज कर रहा था क्योंकि इसका एक पस मंजर जो है वो मैंने बयान किया, एक पस मंजर बन गया और एक उस दस्तूरी अदारे का फैसला भी आ गया और उस दस्तूरी अदारे के फैसले को कंसीड भी कर लिया गया। अब उस डायरेक्शंस के मुताबिक चलना था और बज़ाहिर जो है उस डायरेक्शन के मुताबिक नहीं चला गया और विद इन मिनट्स जो है ना वो सिर्फ जो है ना एक चेंज की गई, जो बड़ी तब्दीली की गई कि चेयरमैन जो है ना एक किसी एक शख्स को ए को माइनस कर दिया गया और बी को जो है उनकी जगह पे ले आया गया। तो सिर्फ वो ए के माइनस करने से और बी के माइनस करने से जो है वो उसको आप ये नहीं कहेंगे कि वो दुरुस्त हो गया, ये चैलेंज होगा और जब ये चैलेंज होगा तो उसमें पुरानी जो जजमेंट है या आर्डर है इसका इलेक्शन कमीशन का वो सामने रख के ये देखा जाएगा कि कानून के सब्जेक्ट का जो जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो और आर्डर दोनों सामने रखे जाएंगे और फिर देखा जाएगा कि नए इलेक्शन कानून के मुताबिक हैं या इस जजमेंट के मुताबिक हैं, और अगर नहीं है तो फिर जो है ना इसका मतलब ये है कि ये स्क्रैप हो सकता है और जब दूसरी दफ़ा स्क्रैप होगा तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और कॉन्सिक्वेंसेस में जो है वो ना जो इलेक्शन सिंबल हुआ करता है वो शायद मुमकिन ना रहे, वो जा सकता है और प्रॉब्लम आ जाए, वो जा सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप अतर काजमी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये अगर इंटर पार्टी पर इलेक्शंस पर या पार्टी के ऊपर तनकीद करती है तो चले समझ आता है, सियासी हरीफ हैं, आपस में सियासी बयानबाजी हो रही है, लेकिन पिलटार जैसे इदारा अगर इस सारे प्रोसेस के ऊपर तनकीद कर रहा है तो क्या समझते हैं आप? क्या हम ये कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जल्दबाजी में ये एक गलत कदम उठा दिया है, इलेक्शन को मुतनाज़े बना दिया है? देखिए पहली बात ये कि जो पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन था इसका फैसला कब महफूज किया था इलेक्शन कमीशन ने? तकरीबन 2 माह पहले। फैसला क्यों नहीं सुनाया जी? और फिर अचानक फैसला आया और आपको पता है कि आगे इलेक्शन स्केड्यूल आने वाला है, उससे पहले ये सारी चीजें, तो क्या ये सारी चीजें जो हैं आईन और कानून के मुताबिक हो रही हैं? देखिए इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है तो वो आईन के मातहत है, वो ये नहीं हो सकता कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर दे, वो ये भी कर दे, वो भी कर दे। बाकी जहां तक बिल डैट का ताल्लुक है वो उनकी उनके जो भी वो मौकिफ है उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन सामने नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जब किसी के पास उठाना होता है तो वह एतराज उठ जाता है, जब नहीं उठाना होता तो कोई नहीं उठाता है। ये वही अदालतें हैं जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या मौकिफ रखती थी और अब किस तरीके से उनको वहां पर बरी किया जा रहा है, वही इदारे वही नैब अब वहां पे क्या कुछ कह रही है। तो ये कोई इतनी ज्यादा मैं इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता कि ये कोई आईन और दस्तूर उसको सामने रखते हुए ये सब कुछ हो रहा है। जहां तक जमातों के अंदर जमहूरियत का ताल्लुक है, प्रेसिडेंट बिला मुकाबला, वाइस प्रेसिडेंट बिला मुकाबला, फिर सुबह से जो इतराज कर रही है मरियम औरंगजेब साहिबा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बिला मुकाबला, आप बता दें किस जमात के अंदर इलेक्शंस होते हैं? मां सवाय जमात इस्लामी के, जमात इस्लामी एक वाहिद जमात है जिसके अंदर एक जमहूरी स्ट्रक्चर है जहां पे आप नई लीडरशिप आती है, वेबसाइट पे होता है सारी डिटेल्स। जी जी नीचे से उनकी एक लीडरशिप आती है, तो जमात इस्लामी के अलावा तो किसी भी जमात के अंदर हमें कोई जमहूरी स्ट्रक्चर नजर नहीं आता। और इलेक्शन कमीशन तो देखें वो तो एक बाकायदा पीटीआई का ये मौकिफ है और अब इंटरनेशनल मीडिया भी उसको रिपोर्ट कर रहा है कि जो कुछ वो कर रहा है इलेक्शन कमीशन। ये सारी चीजें आपको एनालिसिस, ये सारी चीजें एक तरफ, ये बताइए ये सारी सिचुएशन को देखते हुए आपको लग रहा है जो बल्ले का निशान है जिसकी वजह से खान साहब अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन शिप मिल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसे एक बल्ले के निशान के लिए वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको पीटीआई को?
ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, आईन और कानून में तो मुझे कोई कदगन नजर नहीं आ रही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फैसला कर लिया और 2 महीने महफूज रखा, क्यों महफूज रखा, उसी वक्त बता देते ताकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 2 महीने का वक्त मिल जाता। आप उनको इलेक्शन से पहले 2 महीने फैसला महफूज रखने के बाद कह रहे हैं कि आप फौरन इलेक्शन करवाओ, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई आईन और कानून के मुताबिक इसका फैसला होगा, जो उनकी मंशा होगी उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन फैसला कर देगा। अच्छा एक और सिचुएशन भी है अथर, पीटीआई में हामिद खान जैसे लोग मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में बैरिस्टर गौहर को तरजीह दी गई, इस फैसले के पीछे आपको क्या सोच नजर आती है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, अभी वो 1 साल हुए हैं पार्टी में आए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं, दोनों दफ़ा हार चुके हैं, क़यादत उन्होंने ज़िले तक की नहीं की, एतज़ाज़ अहसन के वो शागिर्द हैं, तो कहीं इसके पीछे खोसा साहब और एतज़ाज़ अहसन साहब के मशवरे तो नहीं है? देखिए टू बी ऑनेस्ट मुझे तो नहीं पता क्या इसमें हो सकता है, लेकिन देखिए खानदान से बाहर है एक बंदा है, जमात में है, उनके वो वकील भी हैं, माजी में भी वो एक सियासी जमात से वाबस्ता रहे हैं, तो ये तो उनकी जमात का फैसला है। हाँ एतराज ये हो सकता था कि अगर वो नायब सदर अपने बेटे को बना देते, अगर पंजाब का वज़ीर आला, देखे ना ख्वाजा आसिफ भी थे, ख्वाजा साद रफीक भी थे, दीगर सीनियर क्यादत भी है, तो फिर भी जमात के अंदर ही रखना है। इसी तरह पीपल्स पार्टी को देख लें, जरदारी साहब ने कहा कि बिलावल की अभी ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी का इंतजाम में उसके हाथ में नहीं, चेयरमैन नहीं बन सकते, चेयरमैन नहीं बन सकता। तो ये यहाँ पे ये सारी चीजें देखें। और दूसरा एक दूसरा पहलू इसका ये है कि क्या पता इमरान खान साहब जो है किसी मजबूत कैंडिडेट को ना लाना चाहते हो, जिस तरह पंजाब के अंदर आपने देखा कि उनके जो वज़ीर आला रहे वो उनकी बात मानते थे, उनकी बात सुनते थे, तो हो सकता है कि एक ये फैक्टर भी बीच में हो।